हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपके भी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं? तो अब से नहीं होगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जिसको लगाने से आपके हेयर झड़ना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। एंड गाइस, मेरे भी पिछले एक मंथ से काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्किन दिख रही थी एंड मेरा हेयर देख के तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, मैं यहाँ DIY हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ एक पैन में पानी ले ली हूँ, इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ एक अनियन का जूस निकाल ली हूँ, कुछ इतना अमाउंट में एक अनियन का जूस हो जाएगा। सी एंड इस तरह से हमें जूस निकाल लेना है अनियन का। देन उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड ऑयल। ये सोल फ्लावर का कस्टर्ड ऑयल है, आप कोई और ब्रांड का भी कस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ करते आए हो। कुछ एक चम्मच लगभग कस्टर्ड ऑयल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गाइस, कस्टर्ड ऑयल ना हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे हेयर फॉल को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एंड काफ़ी स्मूथ भी बनाता है हेयर को। अनियन तो आप सबको, काफ़ी लोगों को पता होगा कि अनियन हेयर फॉल को रोकने में मतलब क्या मेडिसिन का काम करता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोज़मेरी एसेंशियल्स ऑयल, ये भी सोल फ्लावर का ही है। ये एसेंशियल्स ऑयल हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, देन उसके साथ साथ हमारे हेयर को ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। अगर आपके हेयर फॉल से काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है तो आपके हेयर को ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। तो लगभग 2 बूंद इसमें ऐड कर दूँगी एंड उसके बाद मैं इसको इस तरह से रख दूँगी 2 मिनट्स के लिए। ऑयल को ना थोड़ा गर्म कर लेने से ऑयल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसका बेनिफिट आपको और भी ज़्यादा मिलेगा आपके रूट्स को। तो इस तरह से रूट्स में लगाना है एंड ज़्यादा गर्म भी नहीं लगाना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब लगाना एंड आपको बन बना लेना, आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। देन उसके बाद आप कोई भी शैम्पू से वॉश कर सकते हो जो आप यूज़ करते आए हो। गाइस, अनियन के जूस में ना एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बनाने में हेल्प करता है, देन उसके साथ साथ हमारे हेयर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो गाइस, अगर आप अपने हेयर को झड़ने से रोकना चाहते हो तो ये हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करना।